हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हमारे कुछ भाई बहन कमेंट्स करते हैं कि ब्रदर, आप हर वीडियो में मना करते हैं कि शराब पीना बुरी आदत है, पाप है, नहीं पीना चाहिए। ये बात तो सच है कि हम नहीं शराब पी सकते हैं, कुछ हमारे भाई बहन ऐसा कमेंट्स करते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को शराब पिला सकते हैं? कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे टाइम आ जाते हैं कि हमें मजबूरन दूसरों को शराब पिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जो शराब पीते हैं। हम नहीं पीते हैं, लेकिन वो सब पीते हैं। तो कभी कभी इंसान मजबूर हो जाता है कि उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि इस वीडियो को आप ध्यान लगाकर मन से सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको इससे प्रभु के वचन से अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, फर्स्ट कुरिन्थियों अध्याय 6:19 में प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा ये शरीर जो परमेश्वर ने दिया है, आपको मालूम है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर रहता है, जो कि हमें हमेशा अच्छे मार्ग दिखाता है। हम जब भी गलत रास्ते पर भटक जाते हैं तो वो हमें चलना सिखाता है, उठना सिखाता है, ताकि हम फिर से पाप में, बुराइयों में न गिरने पाए। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हारी रचना की है। क्या कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हारी रचना की है। परमेश्वर कहता है कि जिस शरीर को मैंने रच रच के बनाया, क्या तुम उसे नाश करना चाहते हो? क्या तुम उसे खत्म करना चाहते हो? ऐसे में परमेश्वर इसे पाप मानता है। हमें कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस बुराई को छोड़कर प्रभु में आकर पवित्र हो चुके हैं, आप शुद्ध हो चुके हैं, आप अपने दोस्त को या आप अपने किसी भी रिलेटिव को उस बुराई में कैसे ढकेल सकते हैं? प्रभु कहता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 3:17 में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? उसे नाश करेगा। आप अपने दोस्त को भी या फिर किसी रिलेटिव को भी शराब पीने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं या फिर उसको नहीं पिला सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं कि मैं नहीं पीता तो क्या हुआ। अपने दोस्त को या फिर अपने रिलेशन वालों को या फिर अपने पड़ोसी को तो मैं पिला ही सकता हूं, लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा करना गलत है। क्यों गलत है, आगे हम जानेंगे। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कौन है वह? तुम हो। जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया है, वैसे ही परमेश्वर ने उनको भी बनाया है जिनको आप शराब पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको आप बुराई की ओर ढकेल रहे हैं। शराब पीने से क्या होता है, एक इंसान का लीवर डैमेज हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, शरीर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब धीरे धीरे करके बेकार हो जाते हैं। आप यह मत भूलिए कि एक मसीह जो होता है ना, जो प्रभु पर सच्चा विश्वास करता है, वह क्या होता है, वह एक सिपाही होता है। और एक सिपाही जो परमेश्वर के लिए लड़ता है, किससे लड़ता है? शैतान से लड़ता है। यदि वो निर्बल रहेगा, कमजोर रहेगा, उसके शरीर में जान नहीं रहेगा, तो वो कैसे लड़ पाएगा, प्रभु के लिए कैसे चल पाएगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। न्यायियों अध्याय 13:4 में लिखा है, इसलिए अब सावधान रह। क्या लिखा है कि इसलिए अब सावधान रह कि न तो तू दाख मधु या और किसी भात की मदिरा पिए और न कोई अशुद्ध वस्तु सेवन करे। क्या करे? अशुद्ध वस्तु सेवन करे। मतलब बाइबल में आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अशुद्ध है, परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है।
तो जो अशुद्ध है उसका सेवन आपको नहीं करना है। रोमियो 10:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, क्या लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके चढ़ाओ? बलिदान करके चढ़ाओ। हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है उसे क्या करता है परमेश्वर? क्या कहता है कि तुम इसे बलिदान कर दो, तुम्हारे अंदर से वो चीज निकल जानी चाहिए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ठीक है ना? अच्छा, परमेश्वर हमें क्यों ऐसा कहता है? क्यों कहता है कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम पवित्र बनो, तुम हमेशा मेरे बताए हुए नियम के अनुसार चलो? क्यों वो आपसे क्यों कहता है और क्यों और लोगों से क्यों नहीं कहता है? क्योंकि उसने आपको मोल लेकर खरीदा हुआ है। क्या किया है? मोल लेकर खरीदा हुआ है। आप बचाए जा चुके हैं, आप उन लोगों की गिनती में नहीं आते हैं जैसे कि जो अन्य लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं। आप उनमें से निकाल लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं, आपके लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान कर दिया है, उसका पेमेंट कर दिया है, आपको बचा लिया। इसलिए आप अपने स्वयं अपने नहीं रहे, आप परमेश्वर के हो चुके हैं, ठीक है ना? तो आप अब मनमानी नहीं कर सकते हैं कि जब मन किया तब शराब पी लिया, जब मन किया तब दूसरों को शराब पिला दिया, जब मन किया किसी से मारपीट कर लिया, जब मन किया किसी को कुछ भी बोल दिया। मतलब आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर के आधार पे ही, परमेश्वर के थ्रू ही सब कुछ करने पाएंगे और परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है, खुश होता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं ना। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे सामने झुके, मुझसे प्रार्थना करें, मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, उसको अच्छा लगता है। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे भाई बहन ये भी कहते हैं, मान लीजिए हम कहीं पार्टी में गए तो हमारे दो चार रिलेशन के लोग इकट्ठे हो गए, दो चार दोस्त सगे भाई बंधु इकट्ठा हो गए, तो आपस में प्लानिंग बनाते हैं कि चलो आज पार्टी किया जाए। तो सारे दोस्त लोग धूमधाम से पार्टी मनाते हैं, बियर, एल्कोहल जो है देसी रम, ये सब खूब मस्ती में चलता है। तो ऐसे में हमारे बहुत सारे भाई बहन ये भी पूछते हैं कि क्या हम किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हैं तो थोड़ा सा भी यदि कोई मान लीजिए जिद करता है, कोई हमें कहता है कि नहीं भाई मेरे लिए तू थोड़ा सा पी ले, तो क्या उस स्थिति में एक मसीही को थोड़ा सा भी नहीं पीना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप उन लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन लोगों की गिनती में नहीं आते हैं। आपको परमेश्वर ने उन सबसे अलग कर लिया है, चुन लिया है। आप अब उनके नहीं रह गए, आप परमेश्वर के हो गए। यहीं पर आप में और उन दोस्तों में जो आपके सगे संबंधी हैं, जो नशे लेते हैं, दारू पीते हैं, उनके बीच में और आपके बीच में प्रभु तलवार चला देता है। इसीलिए बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तलवार चलाने आया हूँ, मेरे बच्चे मेरी तरफ रहेंगे और जो सांसारिक लोग हैं वो उधर रहेंगे। परमेश्वर ने आपको छांट दिया है, इसलिए हबक्कूक 2:15 में लिखा है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता कि उसको नंगा देखे। क्या कहता है कि हाय उस पर। मेरे प्रियो, यहां प्रभु आपको समझाना चाहता है, आपको कह रहा है कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है। मदिरा क्या है? वो विष है, यानी कि जहर है। क्या आप अपने दोस्त को जहर देंगे, अपने किसी भाई को, सगे संबंधी को जहर देंगे? नहीं, प्रभु स्पष्ट मना करता है कि ऐसा करना आपके लिए पाप है और आप कतई ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति भटका हुआ है, जो प्रभु के बारे में नहीं जानता है, उसको आप प्रभु के बारे में बताइए, उसको समझाइए, एक बार नहीं दो बार समझाइए,
जब भी आपको मौका मिलता है तब तब आप उसको समझाइए, ताकि जैसे आपका उद्धार हो गया, आप बचाए जा चुके, वैसे ही वो भी बच जाए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन सारी बातों को जानने पाएं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।